The Daily Show with Munir Memon. Assalamualaikum, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज करने से पहले कल एक बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हुई, उसके ऊपर बात जरूर करना चाहूंगा। फीफा वर्ल्ड कप जो कि इस वक्त कतर में मुनक्किद हो रहा है, और इसका इनेकाद के साथ ही कतर में एक रंगीन समासा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत से सवाल थे जो इस वक्त कहे जा रहे थे, उठाए जा रहे थे कि जब फीफा वर्ल्ड कप होगा, दुनिया भर से लोग आएंगे, तो कतर बींग अ मुस्लिम स्टेट उसको किस तरीके से केटर करेगा। लेकिन कतर ने इस बात को साबित किया, वहां के हुक्मरानों ने इस बात को साबित किया कि जो गयूर कौमें होती हैं, जो कौमें अपना अपने दीन की हिफाजत करना जानती हैं, अपने मजहब के ऊपर कारबंद रहती हैं, वो यकीन तौर पे बेगर नहीं होती, वो भिखारी नहीं होती, और दुनिया को अपने टर्म्स पे डिक्टेट कर सकती हैं। और यही देखने में आया कि कतर ने एन वर्ल्ड कप के इनेकाद जिस तरीके से हो रहा था, इफ्तिताही तकरीब से चंद रोज पहले तमाम तर तफसीलात शेयर की, जिसमें वो तमाम तो शरायत आयद की जो कि वेस्टर्न ममालिक के लिए तकरीबन काबिले कबूल ना होती, लेकिन कतर ने इसको ना सिर्फ मनवाया, इन्फोर्स किया और यकीनी बनाया कि जो कुछ एक इस्लामी ममालिक में होता है या होना चाहिए वो हुआ। और वैसे ही देखने में आया कि जहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ, जहाँ पे रेनाउंड सिंगर्स परफॉर्मर्स ने कतर में आने से इनकार किया, वहां पर कतर ने इन तमाम तर बातों को बिल्कुल भी खातर में ला लाते हुए अपने इस्लामी इक्तदार को सामने रखते हुए तमाम तर जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसका इनेकाद किया। और अब फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जब ये 30 दिन का मेला सजेगा, उस दौरान हम ये देखेंगे कि वहां पे जो शराब नोशी है, इसका जो खुलेआम इस्तेमाल आमतौर पर फुटबॉल के मैचेस में देखने में आता है, वो नहीं होगा। ख्वातीन के लिए एक लिबास का मुकम्मल जाब्ता दिया गया है, और ख्वातीन उस जाब्ते से हट के स्टेडियम में लिबास तन जेबतन नहीं कर सकेंगी। तो ये तमाम तरह वो कौमें कर सकती हैं जो गयूर कौमें होती हैं, जो अपने मामलात को खुद संभालती हैं और जो किसी की मोहताज नहीं होती। और जैसे कि पाकिस्तान में कहा जाता है बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो हमारी मुल्क का और हमारे इस वक्त मौजूदा सियासी सेटअप का ये अलमिया है, ये शर्म की बात है कि वो एक ऐसी फिल्म जो कि काफ़ी ज़्यादा मामलात को लेके मुतनाज़े है, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट की बात की जाती है जो कि इस्लामी रिवायात के बरखिलाफ है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि पाकिस्तान की हमारे माशरे को तो छोड़ें, लेकिन हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें भी काबिल कबूल नहीं, बल्कि उसके हवाले से सख्त वईदात हैं। वो तमाम तर कंटेंट को भी पाकिस्तान में अप्रूव किया जाता है, क्योंकि हम बेगर्स हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, और जैसे ही आका कहते हैं वो आका का फरमान होता है, उसके ऊपर हमें तस्लीम सर तस्लीम हम करना होता है। आज हम यकीन तौर पर कतर को एक मिसाल बना सकते हैं, कतर की मिसाल को फॉलो कर सकते हैं। प्रोग्राम की तरफ आते हैं, और प्रोग्राम में यकीन तौर पर बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं और बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। आर्मी चीफ की तकरीर से लेके जो कुछ लंदन में हुआ, उस तमाम तर मामलात के ऊपर गौर करेंगे। आज से दो रोज पहले तस्नीम हैदर शाह साहब मंजरे आम पे, और उन्होंने मीडिया पे आके कुछ होशरुबा इनके शाफात किए, और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान के कत्ल का मंसूबा लंदन में तय हुआ। ये क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। यह तस्नीम हैदर शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूं। और हुआ यह है कि जो इनकशाफात हैं लंदन पलायन के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया, और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। कब हुई? एक पहले 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई, उसके बाद 29 अक्टूबर को मिली। उसमें कौन कौन शामिल था उन मीटिंग में, बता सकते हैं? वो मैं नाम इंशाल्लाह बाद में आपको। तो आपने सुना कि क्या कुछ हैदर शाह साहब, तस्नीम हैदर शाह साहब फरमा रहे थे, और उन्होंने जो बातें कही यकीन तौर पे बड़ा एक इंकशाफ है, इसके ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर मीडिया में तस्करा हो रहा है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस बयान को बड़े गौर से देख रही है। इसी आवाज़ हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर साहब तजियाकार हैं। जहांगीर साहब सलाम जी। जहांगीर साहब, पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सियासत में नए चेहरे या पुराने चेहरे आते हैं, मंजर आम पे आते हैं, इंकशाफात करते हैं, ये बात नहीं है। कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक रखने वाले फैसल वाडा साहब आए, फिर
उमर फारूक का एक किरदार सामने आया और अब तस्नीम हैदर शाह, ये तमाम तर किरदार की कहानी कुछ एक सी नजर आती है। ये अपनी अपनी कहें कि जमातों से, या अगर फैसल वाडा साहब और तस्नीम हैदर शाह साहब की बात करें, इन्होंने अपनी जमातों के ही अंदर करनी होने वाले मामलों को बेनकाब किया। सही या गलत, इसका फैसला आवाम करेगी और आला अदालतें करेंगी। ये कितना डेंट करेगा तस्नीम हैदर शाह साहब का ये जो बयान है? देखिए, मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ चीज़ों को, जो देख रहा हूँ, ये जो बैड कल्चर जो डेवलप हो गया है ना, कि आप जो है किसी की इल्ज़ाम की बुनियाद ऊपर किसी की बुनियादें हिलाने की आपको, जब सियासी जमातों को ख्वाहिश होगी और ये हर एक्सट्रीम पे जाने लगेंगे, अगर ये खेल कोई कहीं से शुरू होता है तो दूसरा भी रिस्पांस करेगा, फिर उसमें बुरा मानने की क्या बात है? जब आप गंद नून लीग ने शुरू किया और तहरीक इंसाफ ने भी इसमें हिस्सा लिया, तहरीक इंसाफ भी है, नून लीग का भी का जिक्र आता है। उमर फारूक जो है कि किसको, इसका बेनिफिशियरी कौन है? उमर फारूक का बेनिफिशियरी कौन है? वो जानते सारे इत्तेहादी हैं कि वो जो वो खराब होगा तो वो अच्छे होंगे, जब वो अच्छे होंगे तो फायदे में तो वो रहेंगे, तो उमर फारूक भी आता है। लेकिन जो एक चीज़ होती है, साफ़ी के पास उसका होना बहुत ज़रूरी होता है, एक लॉजिक होती है, चीज़ों को कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, उसके दायरे में वो देखता है कि अगर कहीं कहीं झोल है तो इसका मतलब है कि स्टोरी में कहीं फॉल्ट है। बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी होता है, अहमकाना स्टोरी लगती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इसके इम्कानात नहीं है, ऐसी स्टोरियाँ भी चलती हैं कि जिसको देख के बच्चा भी कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ परसेप्शन तो क्रिएट किया जाता है। फैसल वाडा साहब ने जो कुछ मीडिया पे आके कहा, हर किसी ने सवाल उठाए, हर कोई शशपंज में था कि ये क्या कुछ कह रहे हैं, कोई बात कोई एक दूसरे से सिरा नहीं मिलता था। लेकिन उस बयानिए को नून लीग ने इस्तेमाल किया, पीडीएम की जमातों ने इस्तेमाल तो किया ना, फिर भी भाई देखिए मसला ही तो ये है, हकायक पर जो बातें जो कोर्ट्स जो फैसला करती हैं उस पर अमल बरामद होता है, कहीं कल्चर कानून की बालादस्ती का होता है, तो फिर इस झूठ की इस जो वॉक जो सिचुएशन है जो बिल्कुल धुंधली सूरत हाल बना के वारदात की जाती है और इंसानी राय को मुतासर किया जाता है, ऐसी सूरत हाल उसी वक्त बनती है कि जब आपके पास हकायक ऐसे ना हो जो लोग तस्लीम करें, अजहर बिन शम्स ऐसे हकायक जैसे सूरज की तरह नज़र आने वाले हैं, उसके कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको, उसको कहते हैं। तो यहाँ तो आपको देखते हैं उमर फारूक की स्टोरी देख लें, वो जो कह रहा है वो दिखा रहा है, अब वो जो दिखा रहा है उसमें एक बात तो शक में पढ़ सकते हैं ना कि वो आपके पास उसके पास घड़ी है, वो एक ही चैलेंज करता है उमर फारूक कि जनाब मेरे पास तो घड़ी है, अब घड़ी तो और जो पर्चा जो था जो साइफर कहलाता था उसको भी आप पर्चा और कागज कहते थे, अब आपके पास असली घड़ी है, नकली घड़ी है, किसकी घड़ी है, किसकी किसकी बुरी घड़ी का क्या नतीजा साबित हो रही है, ये सारी चीजें अब आपको मंतक और लॉजिक पर आप से मुझे एक चीज समझाएं। यहां से ये कहा जा रहा है, इस वक्त डेविल्स बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट ये बात कर लेते हैं कि कहा यह जाता है कि इस तरह की जमातों ने दो शख्स को प्लांट किया, फैसल वाडा और उमर फारूक, यहां से गेम तब्दील हुआ, यहां से भी उन्हीं की सफों में से उन्हीं के तर्जुमान को निकाला गया और उन्होंने आके जो मीडिया पे बात की कि हमारी तीन मुलाकातें हुई, उन्होंने शूटर्स देने का कहा, फिर उन्होंने अपने मंसूबों को जाहिर किया। सर ये जो तमाम तर आप देखें ना, एक के बाद एक कड़ी मिल रही है जो कि किसी से नहीं मिलती, लेकिन एक के बाद एक किरदार तो सामने आ रहा है। फैसल वाडा साहब की बड़ी बात आ है, जब मैं अब कंपैरिजन अगर हम देखें दोनों का, जो एक एक पार्टी की तरफ से उसकी तर्जुमान बोल रहा है और इनके खिलाफ बोल रहा है, इनका आदमी उनके खिलाफ बोल रहा है, फैसल वाडा ने तो पहली चीज़ें बता दी थी, जैसे वो जो है वो सीन था उनका, बिल्कुल उनके लिए सीन अनसीन, हमारे लिए अनसीन था, तो उनके लिए खून खराबा होगा, ये होगा, उसको अरशद शरीफ के जो है वो पासपोर्ट नहीं मिलेगा और उसका जो है मोबाइल नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी हुई है। तो इतने करीब होने वाले और इतना ऐसे जैसे वो तमाशा देख रहा था, वो अपनी आंखों से वो उतना शाहिद था, और उसको तो आप इंक्वायरी में सबसे पहले उधर बुला। यकीन तौर पे पाकिस्तान की सियासत में कोई नई बात नहीं। अब मुझे ज़रा समझाएं कि तसीम साहब के इस बयान से लेके अभी तक इतला दिए हैं कि नून लीग की सफ़ों में काफ़ी ज़्यादा हलचल है और बहुत से लोग परेशान भी हैं, और नून लीग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस तरीके से इस वक्त उनकी सफ़ों में से कोई निकल के सामने आएगा।
सर ये जो इल्जामात बड़ी संगीन नौयत के हैं और हम सब जानते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त बरतानी शरीयत नहीं है और वो मुल्क में क्यों नहीं आ रहे, ये भी उनकी वजूहत बड़ी वाजह तौर पर सामने है। सर क्या ऐसा तो नहीं किया हो रहा कि खान मियां साहब के ऊपर प्रेशर हो कि अगर आपने यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज्यादा कुछ करने का कोशिश की या ख्वाहिश रखी तो शायद आपके लिए वहां भी मामला मुश्किल में आ जाए, क्योंकि यूके पुलिस इस बयान को बहुत क्लोजली वॉच कर रही होगी। देखिए क्लोजली वॉच कर रही होगी क्योंकि वहां से, लेकिन जब ऐसी बातें हों और एक माहौल बना हुआ हो कि दो तरफ से जो है कंकरियां मारी जाएं, जख्मी किया जाए, सियासी मफाद हासिल किया जाए, तो फिर एक इसके ऊपर भी जो भी बात करेगा सवालिया निशान तो लगेगा। तस्नीम हैदर जो है वो वहाँ के लंदन के तर्जुमान कहलाते हैं, अब मुस्लिम लीग की तरफ से वो बातें हैं, क्लोज है सर, लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रहते हैं। अब ये देखो वहां से उनका तर्जुमान ये बात कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने तो बता दिया, हम तो जानते ही नहीं है। अगर इसी तरह जो है वो उमर फारूक को ये लोग नहीं जानते, तुरफा तमाशा है ना। अब ये चले मान लिया कि ये चीज है सर, अगर अगर ये बात होती है कि वो शूटर नवाज शरीफ ने कि शूटर्स जो का कह दिया था, शूटर्स का इंतजाम हो जाएगा, लंदन में नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, तीन मुलाकातें हुई हैं, सब कुछ हुआ है और उनका जहन साजी की गई, उनको इस काम के लिए तैयार किया गया, ये सारी चीजें तो ये है। अब ये ट्रायल होते हैं ना, दो अवामी ट्रायल होता है, वो ये सोचते हैं कि ये ठीक है या नहीं। इस तरह उमर फारूक के भी ट्रायल से नहीं गुजरा, मुझे जाएंगे हुआ मॉडल टाउन साने की जीआईटी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पे नहीं आई। मॉडल टाउन साने में जो लोग शहीद हुए, जिसने किया सर, वो आज तक मंजर आम पे ना आया। आज ये अगर ये चीज इंकशाफ हो रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नजर नहीं आई, चाहे वो सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा क्लेम तो है ना वो भी। देखें एक एक हद तक जब चीजें इस तरह बन जाएं कि किसी चीज की इंक्वायरी होती है, उसके रिजल्ट नहीं आते हैं और वो चली जाती है, पसे पुष्प चली जाती है, कोई इसका वजूद ही नहीं रहता, ऐसा लगता है कि वो वाकया सरदर्द ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर इतबार अवाम का जाता है। और फिर आप ही की ज़बान में इसी जुमले में पूरा की कौम सोच रही होती है कि भाई बहुत से बड़ी बड़ी वारदातें हो चुकी हैं, मुल्क भी टूट चुका है, उसकी इंक्वायरी आए कहीं है, क्यों नहीं आती सर इंक्वायरी अभी जो इसलिए कि देखिए आज तक आप एक बात से अंदाजा लगा लें, हर एक कहता है कि ये भी तो चोर है ना, ये नहीं कहता कि मैं भी चोर हूं, बिल्कुल से वो कहता है ये भी चोर है, ये भी चोर है, जब दो चोरों का शोर मचेगा तो कौन किसका एहतसाब करेगा। अभी अभी जो बात हो रही है ना, एक बार फिर से नून लीग में लहर है कि हमें एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लेना चाहिए। ये जो वीडियो या ये जो साहब मंजर आम पे आए, इसके बाद नून लीग को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो एस्टैब्लिशमेंट का रुख कल तक उनकी तरफ था, शायद अब वो सूरत हाल तब्दील हो सकती है, ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं शख्स आ रहा, ऐसे तो कोई शख्स आके मीडिया में बात नहीं कर रहा। ये बात तो एक चीज ये है कि जब भी इस तरफ आती है बात, इस तरफ मुस्लिम लीग मुश्किल में आने लगती है किसी बात से, तो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है हटके जो है कहीं और खड़ी हो गई है, और ये जो है ये चीजें अपनी जगह पे इसी तरह हिलती जुलती रहेगी जब तक के ये जो है 29 नवंबर नहीं आ जाएगी और ये तब्दीली जो हो गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली हो जाएगी, दो तीन दिन में ही कहा जा रहा है कि ये वो जो चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और आज सवाल से उसके बाद भी हुई, इसके बाद सबको जवाब देना पड़ेगा, तुमने क्या कहा था सबको जवाब देना होगा। और ये जो डेवलपमेंट हो रही है आज से, ये डेवलपमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज भी हुआ है और अहम मामला भी तय किए जा रहे हैं, समरी के हवाले से भी इतलात है कि समरी बहुत जल्द मूव कर दी जाएगी और एंड किसी भी वक्त इस तमाम सूरत हाल के ऊपर मामला क्लियर हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को धमकी सी दी है और बड़ा सख्त बयान दिया, उसके ऊपर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बता सकते हैं। अब देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। जो खान साहब सियासत की कोशिश कर रहा है इस तायनाती पे, ही इज
going to not only damage institutionally ek idara jo ke hum nahi chahte hain, hum chahte hain ki ye transition mukammal ho jaye, magar iska khatarnak consequences सकते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के। खान साहब ने जानबूझ के एक आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की, गैर आईनी तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जिस जो उन्होंने मुकाबला किया अदम एतमाद का और अनकॉन्स्टिट्यूशनली रिजेक्ट किया, हाउस को तोड़ दिया। खान साहब ताहिया एक्सटेंशन दे रहा था। गवर्नर राज की बात है, मैं समझता हूं कि बहुत से कार्ड यूनिटी गवर्नमेंट के हाथ में है जो हमने अभी तक नहीं खेला, और मैं खान साहब को एडवाइस दूंगा कि वो अपने आप को ऐसे चलाएं और अपना सियासत को ऐसे चलाएं कि हमें मजबूर ना किया जाए, कि हमें ऐसे कोई कदम उठाना पड़े जो हम नहीं अपनाना चाहते। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़े। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और जरा तस्करा करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा। उन्होंने सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से जो गुफ्तगू की और जो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, यकीन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस वक्त ये तवक्को नहीं की जा रही थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने जो ये तमाम तर अल्फाज का इस्तेमाल किया या ये जो तमाम तर गुफ्तगू की, दरअसल किसी और की ख्वाहिश थी जो कि सदर पाकिस्तान तक पहुंचाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के थ्रू। अब सदर पाकिस्तान के पास जो इख्तियार मौजूद हैं वो यकीन तौर पर महदूद सही, लेकिन इख्तियार जरूर मौजूद हैं, और सदर पाकिस्तान किसी भी समरी को कुछ अरसे तक होल्ड करने का इख्तियार भी रखते हैं। इसमें बहुत से मामलात ये भी हैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों की रिटायरमेंट और कुछ लोगों की रिटायरमेंट के अलावा उनकी तारीख भी उस जद में आ सकती हैं, और कुछ अहम फैसले हैं वो भी अगर बर वक्त ना हुए, क्योंकि हुकूमत ने ऑलरेडी बहुत सारा वक्त निकाल दिया और हुकूमत के पास भी अब ऑप्शन बहुत महदूद रह चुके हैं। दूसरी जानेब एक और बड़ी अहम इतला ये आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब और मियाँ साहब के दरमियान, यानी कि छोटे भाई और बड़े भाई के दरमियान भी मामला कुछ वाज तौर पर साफ नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात कुछ और थी जबकि मियाँ साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशात कुछ और थी। ये तमाम सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त महसूस ही होता है कि शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों और अपने बड़े भाई की ख्वाहिशात के बोझ तले दबे हुए नजर आते हैं, और वो बज़ाहिर कहने के तो वजीर आजम जरूर हैं लेकिन उनके अपने इख्तियार खुद बहुत महदूद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंगी साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बिलावल साहब सडनली आते हैं और काफी अरसे की एक खुद साख्ता खामोशी के बाद उन्होंने सदर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। क्या पैगाम था, ये पैगाम क्यों दिया गया और इसकी जरूरत क्यों पेश आई? देखिए आप तब्जिया और तबसरा ही चाहते हैं ना, मैं खबर तो ये आपको सर मैं तो खबर भी चाहता हूं आपसे। नहीं टीवी पे मिल चुके हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, उसमें धमकी का पहलू तो मौजूद है कि मतलब आप कोई इकदाम नहीं करेंगे, लेकिन ये तो सदर पाकिस्तान घर बैठ जाए। देखें तो सही आप सदर पाकिस्तान घर बैठ जाए, बात तो पूरे सुन लेना फिर घर बैठाइएगा ना। सबकी ख्वाहिश यही है कि घर बैठ जाए, क्यों बैठ जाए घर? ये मैं कह रहा हूं कि देखें एक तरीक़ेकार होता है, ये लोग इस तरह बोल के ये तासुर दे रहे हैं कि सदर पाकिस्तान कोई ऐसा इकदाम कर देंगे, क्योस आ जाएगा, लॉक आ जाएगा बीच में, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये इसमें धमकी का पहलू होना ही नहीं चाहिए था। सदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इस्तेमाल करता है वजीर आजम करता है इसमें, और जो सदर का माइंड अप्लाई नहीं कर रहा था सीधे सीधा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक कागज़ जाता है और वो उसको आगे बढ़ा देता है कि ओके। इसमें वो तो ना जो दूसरी चीज़ें जो कोर्ट में जो अब जो कानून साजी देखिए कानून साजी जिसमें होती है कानूनी पहलुओं पर होता है, कहीं डेड लॉक हो रहा होता है उसके ऊपर वो अपना माइंड अप्लाई करता है कि ये मंतक और लॉजिक के मुताबिक नहीं है, आइन के मुताबिक नहीं है, कानून से कहीं मुतसादिम है और हमारे समाजी माहौल में फिट नहीं है, वहां वो अप्लाई कर सकते हैं। ये तो सीधी सीधी बात है। सर मुझे ये बता दें बिलावल साहब ने बयान जो बहस छिड़ी हुई है कि बयान खुद दिया या किसी की ख्वाहिश पे किसी ने दिलाया या कुछ भी है, लेकिन ये कैसी धमकी है जिसमें धमक ही नहीं है। सब समझ रहे हैं, सब कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा और सब वादे लेके आ गए हैं। वजीर सदर ममलिकत ने वादे कैसे कर लिए कि कोई मसला नहीं होगा, उनके जो है चेयरमैन मुस्लिम उसके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के नायब चेयरमैन है वो कह रहे हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं होगा एक तरफ है और इनकी धमकी एक तरफ है। नहीं यही तो सवाल है कि ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि बिलावल साहब इस वक्त आके ये तमाम दर गुफ्तगू कर रहे हैं? अचानक डालना ना बघार में हिस्सा तो डालना होता ना कि मैंने भी जो है ना धमक दी तो वो पीछे हट गया,
अबे भाई वो पीछे हटने की सूरत हाल ही में नहीं है, जिनका जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उनको करना है, साइन करनी है। आपको बड़ा सेलिब्रेट कर रही है, सेलिब्रेट बिलावल साहब फुट फ्रंट फुट काय के लिए सेलिब्रेट करने के लिए तो बयान दिया गया। इसका जो चीजें सेलिब्रेट कौन करता है, एक चीज फलूक फेंका और उस पर जो है ना बोला वाह भाई कैसे जा रहे हो, ये जो वर्क फार हो रहा है वर्क फार, ये चीज़ें ऐसी नहीं होती, ये गैर ज़रूरी है, ये माहौल को ख़राब करने वाली बातें हैं। आप तमाशा देखो जब चीज़ें होंगी। एक सबसे बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, आप ये कह रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं, हम ये देख रहे थे कि उनकी अभी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब से मुलाकात भी हुई और ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त जो तमाम तर डिप्लोमेसी वो सदर पाकिस्तान के हाथ में, वही तमाम तर मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं, वही तमाम तर फ्रंट्स के ऊपर बात भी कर रहे हैं। सर ऐसे मौके पे बिलावल साहब ने ये जो बयान दिया, क्या मतलब अगेन सवाल फिर वही होगा, किसकी इमा पे दिया और क्यों ये बयान देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू भाई आप सोचें कि किसी मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर अपने ही मुल्क के सदर सदर को जो कि सुप्रीम कमांडर होता है सर, उसको इस तरह की अल्फाज में इस्तेमाल करते हुए मुखातिब कर रहे हैं। देखें इसके मुकाबले में इन्होंने तो जो कुछ कह दिया उसकी मंतक और लॉजिक नहीं मिलती, गैर ज़रूरी बात है। ये आपके वो लफ्ज़ भी जिसके माने खेज हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे कौन सा उन्होंने कारनामा अंजाम दे दिया कि वो पीछे हट गए, उनको कैसे खबर है कि ये जो ना सेलिब्रेट किया जाए ना चाहिए। उन्होंने अपना रोल अदा कर दिया, सियासी बयान आते ही हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वो इसलिए खामोश है कि उनके पीछे कोई और भी उनसे पूछने वाला है कि आप जो है ये सारा अमल आराम से क्यों नहीं होने दे रहे, ये तो एक बहुत बड़ा क्योस आ जाएगा, बहुत सर क्योस की आपने बात की, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो ऑलरेडी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो तमाम तरह सूरत हाल से बखूबी वाकिफ और ये ऐसा ही इतना बड़ा मसला थोड़ी था, इतना बड़ा मैटर नहीं है जिसको था नहीं बना दिया गया, सियासी लोगों ने बनाया। यही मेरा यही दुख है कि हम पहले अपने इदारों को इन्वॉल्व करते हैं, फिर अपने इदारों को खुद उसमें ला के ऐसे पोजिशन में ला के छोड़ जाते हैं कि उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। आज ये सर ये टॉपिक हर शख्स की हर खासवाम की जबान पे, शायद ये ना होता जब अगर इस तरह के मामलात ना होते। अभी इतने सारे यू टर्न ले लिए, नहीं यू टर्न ले लिए, अबे भाई हीटर ने शीटर ने सारे यहाँ तो सारे यू टर्न ही थोड़ी है, ये तो लेफ्ट राइट का खेल था कि इधर चल जाओ उधर चल जाओ, पहले इशारे पे चलते थे, अब इन्होंने जो है लाल इशारा पकड़ लिया कि कभी रुकते हैं, एक खबर है, तस्दीक आप कर दीजिएगा, खबर ये है कि जो नई एस्टैब्लिशमेंट है शायद उससे अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए स्टेटमेंट दिया गया, ये बात में आपको लगता है सदाकत है भाई? नई एस्टैब्लिशमेंट कोई नहीं होती है सर, जो नया सेटअप होगा, देखिए नया सेटअप भी कुछ नहीं होता है, जैसे हमारे असेंबली है ना जी, हमारे असेंबली है, हमारा सदर मम्लिकत होता है, उसका ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है, वो जो है ना उसका रस्मी होता है, वो उनके फैसले होते हैं, फिर आर्मी चीफ होता है, उसके जनरल्स होते हैं सारे, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, बिल्कुल सही, तो सारा एक सिस्टम है। आप कह रहे हैं कि वो ये आ जाएगा तब्दीली हो जाएगी, अगर तब्दीली होती तो रोजाना तब्दीली हो रही होती तो इनकलाब आ रहे होते हैं, एक सिस्टम है, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ये इसको इस तरह नहीं देखा जा सकता। क्यों मुतनाजा बनाया जा रहा है हमारी पॉलिटिकल क़यादत की जानिब से, क्योंकि आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त टेक्निकली आप यकीन जाने अंदर से जितनी बुराइयां कर रहे हैं, कोई यू कर रहा है कोई कर रहा है कि ये खबर से सब लाइन में लगे होंगे, अभी तक का तजर्बा यही है, अगर तजर्बे को हम लाइन कहां से शुरू होती, ये जनाब ये सारे सियासतदान कहीं इधर के कहीं उधर के, कोई छुप के कोई जाहिर करके कोई मिठाई लेके कोई ढटाई के साथ उधर ही खड़ा होगा सर जी, यही तो उधर खड़ा होगा, ये लाइन शुरू कहां से होती है, इन्हीं के जिनके गेट के बाहर से, ये गेट आप अभी चौथे से पांचवा हो गया, अभी वो छठा भी हो जाएगा, ये भी एक खूब है कि इनको गेट का खूब बने बनाया जाएगा। साहब आज बड़ी एक अहम ये डेवलपमेंट भी है जिसके हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब एक रात पहले भी बता चुके थे कि जो नए आर्मी चीफ की जो तकरीरी और तैनाती का जो मैटर है वो आज से बाकायदा तौर पर उसका आगाज कर दिया गया है, और आज इस हवाले से समरी भी तलब की जा रही है और प्रोफाइल्स भी लिए जा रहे हैं, और बहुत इम्कान है कि शायद चंद घंटों या मैक्सिमम 102 रोज के अंदर यह फैसला आवाम तक भी पहुंचा दिया जाएगा, फैसला तो हो जाएगा लेकिन आवाम तक शायद 102 रोज तक यह पहुंचा दिया जाए। सर मुझे ये जरा समझाया, आपने माजी में बड़े सारे मामलात को हमेशा से कवर किया, क्या हमेशा से इतना बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट होता है हुकूमत वक्त की जानिब से
इदारों को लेके, इदारों के सरबराहान को लेके? बड़ी दिलचस्प जबान में आप बात करते हैं, उसी में पूरा मफहूम आ जाता है, मुझे बड़ी आसानी देते हैं। एक तो होता है डिस्प्यूट, एक होता है क्रिएट करना। ये लोग डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं सियासी फायदा उठाने के लिए, उसका रियासत को नुकसान हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? किस किस्म का सियासी फायदा? देखिए, एक बात ये कि एक आपने नॉन इशू था उसको इशू बना दिया। मुझे अंदर की कोई, शहबाज शरीफ साहब के इख्तियारात ऑन पेपर तो हैं, लेकिन आपको लगता है इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज है, जो कुछ इस वक्त सीन पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल भी कर सकते हैं? एक बात ये बताऊं, ये 30-30 साल की अदाकारी कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है कि आप इनकी बॉडी लैंग्वेज समझ सकें। इनको खूब मालूम होता है कि बॉडी लैंग्वेज का किस तरह ट्रांसलेट हो रही है और कैसे डॉज कराना है। इनसे ट्रांसलेट ही तो नहीं हो रही बॉडी लैंग्वेज, ट्रांसलेट नहीं, सर ट्रांसलेट ही तो नहीं हो रही भाई। इनके मुताबिक इनकी भी तो एक सोच है। आप जो हर उस जगह उनको ऐसा लग रहा होता है, ऐसे लग रहा होता ना कि हम ट्रांसलेट कर, उनके लगने से तो यकीन तौर पे हमें जरूरी नहीं वही लगे। कैसे लगेगा यार, 22 करोड़ आवाम में मुख्तलिफ सोचें, बड़े मिचोड़ और अब आवाम में यकीन तौर पे एक शऊर है जो पाया जाता है। इतने चोटों के बाद भी शऊर नहीं आएगा, सियासी शऊर नहीं आएगा, ये तो हमें भांग के जो है इन्होंने बांध रखा। बहुत बार लगी लेकिन उनको भी आज तक सियासी शोर ना आया। उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद उस सियासी शोर का मुजाहरा करें, एक बेहतर फैसला करें। चाहे तो मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद जरा जब लौटेंगे तो एक अहम मामला इस हफ्ते और होने जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि आर्मी चीफ का जैसे ही अनाउंसमेंट होगा और जब ये तमाम तरह से सूरत हाल गालिबन 25 नवंबर तक सेटल होने की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो 26 नवंबर को खान साहब रावलपिंडी में दिखाई देंगे अपने कंटेनर के ऊपर। और ये एक बड़ा मजमा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो वहां पे गदर होगा। और क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं मिली, एहतजाज की इजाजत नहीं मिली, धरने की इजाजत नहीं मिली, तो गालिबन यही इम्कान है कि रावलपिंडी इस वक्त तक आखिरी स्टॉप होगा तहरीक इंसाफ का इस हकीकी आजादी मार्च का। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। जरा तस्करा होगा अब 26 तारीख को क्या होने जा रहा है। 25 तारीख तक गालिबन ये तमाम सूरत हाल बिल्कुल वाजे हो जाएगी कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री लीडरशिप है वो कौन सी होगी, फौजी क्यादत और इसका कलमदान किसके हाथों में सौंपा जाएगा, तब्दीलियां क्या होंगी, तकरियां क्या होंगी, और हुकूमत भी अपना जो तकरीबन जो फ्रेमवर्क है कंप्लीट करके आवाम के सामने पेश कर चुकी होगी। लेकिन इसके बाद खान साहब ने 26 तारीख का अनाउंसमेंट किया है और हकीकी आजादी मार्च 26 तारीख को रावलपिंडी में वहां से एक बार फिर से हमें नजर आएगा। और शेख रशीद साहब ने कहा कि 26 तारीख को लाल हवेली इस आजादी मार्च को वेलकम करेगी और खान साहब खुद एक बार फिर से कंटेनर्स पे नजर आएंगे, एहतजाज करते हुए दिखाई देंगे। जहांगीर साहब, पहला सवाल, खान साहब लास्ट जो इवेंट हुआ उसमें हमने देखा कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ और खान साहब को अल्लाह ने एक नई जिंदगी दी और वो उसमें महफूज रहे, और एक एक कोई बड़ा मेजर डैमेज हो सकता था जो कि अल्लाह ने करम किया कि वो नहीं हुआ, क्योंकि उससे बिल्कुल नुकसान होता, कितना बड़ा डैमेज बिल्कुल। और हम इस तरह तो बच गए ना हम लोग, हम दुआ करते हैं कि आइंदा भी इस तरह का कोई मामला ना हो, क्योंकि बेनजीर साहिबा के ऊपर भी एक अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें ये काम हुआ। और हम दुआ गो हैं कि तमाम पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुकते हों, रंगो नस्ल किसी भी फिरके से ताल्लुक, उसमें किसी की जानों से खेलना यकीन तौर पर इसका इख्तियार किसी को दिया नहीं जा सकता। लेकिन जहांगीर साहब, अब खान साहब जब कंटेनर्स पे एक बार फिर से दिखाई देंगे, तालिबान हफ्ते का दिन है 26 तारीख का, सर एक आवाम की सिंपति तो खान साहब के साथ होगी, सही है। और 26 तारीख सैटरडे का जो दिन है, हम ये भी जानते हैं कि एक आवाम का बड़ा जो वॉल्यूम होगा वो वहां पे खान साहब के साथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पॉपुलैरिटी ने ना उमर फारूक वाले मैटर के बाद भी खान साहब की पॉपुलैरिटी में कोई डेंट वाजे तौर पर नजर नहीं आया। सर एक तरफ आपकी नई सियासी जो मिलिट्री की आदत होगी, दूसरी जानब खान साहब होंगे, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन खान साहब को
बाउंड किया जा रहा है किसी तरीके से कि वो पिंडी तक महदूद रहे। इस्लामाबाद में अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की इजाजत नहीं। सर क्या मनाजिर होंगे और ये क्या मंजर कशी हो रही होगी उस वक्त की? देखिए एक बात ये देखें, रिकॉर्ड से जो तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है वो जो सियासी क़ुव्वतों को तस्लीम नहीं करते हैं और इनको चोर चक्का के जो भी कुछ भी इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी, और ये असम्बलियों में भी नहीं गए, इसलिए ये तो इतनी इनकी सियासी जो एक्टिविटी है उस पर तो इतना इनको बिलीव रखते भी नहीं है। ये जिसके पास दीवारें गिरिया उनकी जो बन सकती है और जिससे एहतजाज कर सकते हैं वो तो ये है कि रावलपिंडी का मतलब तो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना भाई, वहाँ पर हेडक्वार्टर उनका। तहरीक इंसाफ को तो ये मौका था ना कि वो रावलपिंडी जाना नहीं चाहते, नहीं सर उनको तो वहां तक महदूद रखा जा रहा है। इस्लामाबाद की अगर उनको इजाजत नहीं जाएगी तो इस्लामाबाद से पहला जो स्टेशन है, नहीं अगर फैजाबाद से, फैजाबाद से जो ना पहले अगर इस तरफ से जाएं तो पहले जो है इस्लामाबाद आता है फिर रावलपिंडी आती है, वो सेफ एरिया है, आखिर में उसको बहुत पहले से बंद भी किया जा सकता है, हम उधर जाते रहे हैं तो ये चीज़ें, ये जब इस्लामाबाद में आप नहीं रुक रहे हैं ना, आप वहाँ रुक रहे हैं रावलपिंडी में रुक रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी ख़तरनाक ये है कि रावलपिंडी में जो दो बड़े हादसे हुए, लियाकत अली खान का हादसा, बेनज़ीर साहब का हादसा, ठीक है ना, और उस पर उस इस्टेब्लिशमेंट पे ये भी इल्ज़ाम है कि वो जो अगर भुट्टो साहब का है तो वहाँ के भी उसके इख्तदार के शख्साने वहीं से निकलते हैं, नहीं तो बड़ा कुछ हुआ है उस शहर में, उस शहर में हुआ है। सेकंडली रावलपिंडी जिस जो शहर है जिसका अगर डिजाइन एक, अगर सर मैं ये कह रहा हूं कि उस शहर में इतनी सख्त नहीं है कि अगर 4-5-6 लाख लोग आ जाते हैं तो वो शहर अपने आप में एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि वहां पे शायद इतनी सहूलियात नहीं है, इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है। सर देखिए एक पॉजिटिव पॉइंट है ना, जबकि आपके इतने बिटर एक्सपीरियंस वहाँ हो चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट एक मरहले में भी है, इंतकाल जो है उसका इंतकाल इकतदार कहें मुक्तदर हलकों का अपना तरीक़ेकार होता है, उसमें जो है चीफ ऑफ स्टाफ को भी तब्दील होना है, तो उसके अंदर सिक्योरिटी आपकी बहुत ज़्यादा इंतजाम हो सके एज़ कम्पेयर, क्योंकि पुराने जो सानियात हैं वो भी भुलाए नहीं जा सकते, और ये सानिया से जो है और अगर एक बता उस शहर में, उसमें शहर में अगर ये रखा तो बड़ी सिक्योर जगह भी है वो, और इनसिक्योर भी है कि वो चीज आपने बताया वो छोटी जगह ये वो आज से होते रहे, लेकिन इसका इल्ज़ाम सर मुझे एक बात बताएं, क्या हुकूमत को इस्लामाबाद के आने की इजाज़त नहीं दे देंगी? F9 पार्क के बहुत से ऐसे दीगर मकाम आते हैं जहाँ पे तहरीक इंसाफ जाके अपना जलसा कर सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, धरना दे सकती है। देखें अब पूरा ये इस्लामाबाद का मतलब सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है, उसका रेड जोन है जिसमें सिफात खाने, सर इस्लामाबाद सर को वो तो अदालत के ऊपर छोड़ देना चाहिए ना सर, हाँ सर वो तो फैसला अदालत के ऊपर हो सकता है ना, अदालत तो कहती है कि आप जो है ऐसी जगह पे करें जो आमदोरफ्त न बंद हो, और जो सर पार्क है ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे इन्होंने तो ये कोशिश नहीं की है, ये तो बदलते रहते हैं ना। अब आप अगर इजाजत ना दे, अगर हुकूमत इजाजत ने एक बात ये हुकूमत ने जो इजाजत दी नहीं दी, लेकिन एक ये एक अजीब सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि हुकूमत कहती थी कि इस एरिया में आप करें, वो आपने तस्लीम नहीं किए, अब इस और एरिया में आप गए तो आपको मसाइल थे, फ्रेड हो रही है करीब था, फिर उस पर पाबंदी लगाई तो वो जो सुप्रीम कोर्ट थी, अब रह दे के उन्होंने कहा इस सब को हटाओ क्योंकि यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी सिफारती एक्टिविटी होती है, और इन पे इल्ज़ाम ये है कि बैरूनी ममालिक के सरबराहान या कुछ आते हैं तो वो मुतासिर होता है, पाकिस्तान मुतासिर होता है, ये जो है रावलपिंडी जैसे एक और पहलू भी ये भी बताएं 25 तारीख तक, फिर ये तो आमतौर पर कहा जा रहा है वाजे हो जाएगा कि 25 तारीख को तो वो जो है चेंज हो जाएगा, वाजे भी हो जाएगा कि 25 तारीख तक कौन सी क्या तारीख, खान साहब का 26 तारीख को वहां जाने का फैसला, इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी है, कोई वजह है? वो कह रहे हैं कि वजह मालूम हो जाएगी, वजह ये है कि वो नई क़यादत को जो जिम्मेदारी का तायुन करना चाहते हैं वो बताना चाहते हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको किससे बचाना है इस ममलिकत को और किसको लाना है, ये वाज तौर पर अपना एजेंडा के लिए ये एक बड़ा टास्क होगा,
वादे तौर पर भाई जो उनकी सोच है ना, हम अपनी सोच थोड़ी बता रहे हैं, वो तो इसी सोच पे जा रहे हैं ना, वो तो चीख चीख के कह रहे हैं कि अगर ये ठीक है हमारे पास साजिश नहीं हुई है तो कम से कम ये तो देख लें कि इनको रोक सकते हैं। अब भी वो रुकवाने के लिए जा रहे हैं कि आखिरी आखिरी में देख लो, अगर तुम इक्तदार में आते हो तो उसको क्या करना है, वो एजेंडा दे रहे हैं। सर मुझे एक बात एस्टेब्लिशमेंट को एजेंडा दे रहे हैं, सियासी सर मुझे ये बता दें कि अगर कैओस होता है इस्लामाबाद में, वहां पे किसी किस्म की अफरा तफरी होती है, किसी किस्म के मामलात में बिगाड़ पैदा होता है, तो सर फिर क्या होने जा रहा है? क्योंकि इस्लामाबाद बदल दिया है इस्लामाबाद से हटके, अब तो रावलपिंडी में, रावलपिंडी में जा रहे हैं, तो अब वहां के जो गिवन सिचुएशन है उसके मुताबिक आपको सर इंग्लैंड की टीम भी आ रही टेस्ट मैच खेलने के लिए रावलपिंडी में, अचानक आपने उसमें चटखारेदार बात डाल दी यार, इंग्लैंड की टीम आ रही है तो हमारे शहनशाह से जो आफरीदी वो थोड़ी उनका मुकाबला करेंगे, जैसे ना तो मसला ये कुछ थोड़ी सी ऐसी भी है कि हम जीत जाते तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल तो है ना सर, गवर्नमेंट उसको कैसे हैंडल करेगी या हैंडल कर सकती है? भाई देखिए होता क्या है कि ये इससे ये भी है कि इंग्लैंड की टीम आ रही है ना, जब ये इनसिक्योर महसूस करते थे तो रावलपिंडी में ले जाते थे, रावलपिंडी में बड़ा इंतज़ाम है समझे ना, वो तहफ़ का वहाँ तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है कि भाई हम अमन अमान का मुल्क है ये, आप खेलें। अब वो भी दरवाज़ा बंद हो गया, इस्लामाबाद में करवा नहीं सकते, रह के फिर लाहौर पहुंच जाएं, कराची आ जाएं। जाएंगे आपका मौका आ गया यकीन तौर पे, यहाँ पे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा है, ये बात जरूर है कि इस जो तमाम तो डेट्स हैं उनकी जो सिलेक्शन है वो बड़ी मोहतात अंदाज में की जा रही है, कहा जा सकता है कि खान साहब फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और सही बॉल का वेट कर रहे हैं कि जहां पे वो लूज बॉल मिले वो वहां पे अपना एक स्ट्रोक प्ले कर सकें। दूसरी बात ये है कि आज साफ की जंग है, दूसरी एक जानब ये देखा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, पीडीएम की इत्तेहादी जमातें, और दूसरी जानब खान साहब, ये तमाम तर जो फरीकैन हैं ये इस वक्त आसाब की जंग लड़ रहे हैं, और आसाब की जंग में कौन आखिर में किसके ऊपर बढ़तरी हासिल करता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, क्या होगा क्या ना होगा। यकीन तौर पे ये जो हफ्ता है, ये 8 से 10 दिन ये बड़ी इवेंटफुल होने जा रहे हैं, इसमें बड़े सारे अहम राजों से पर्दा हटेगा, बहुत सारे इनके शफात होंगे, और इसके बाद बहुत कुछ है जो इस हफ्ते के अंदर ही कवर होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं जो हो बेहतर हो और एक बेहतर पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए, तमाम तरह इकदाम जो किए जाए वो हर एक पाकिस्तानी के लिए एक बेहतर पाकिस्तान, एक बेहतर रोशन मुस्तकबिल की एक नवीद रखते हुए दिखाई दें। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। जहांगीर साहब आपके वक्त का शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए, और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।